Let's do question number 7th of exercise 7C. Question number 7th is the areas of two similar triangles are, area दे रखा है हमें दो similar triangles का 81 cm square and 49 cm square respectively. If the altitude of the first triangle is 6.3 cm then find the corresponding altitude of the other. हमें दूसरे का corresponding altitude निकालना है. तो मान लीजिए हमारे ये दो ट्राइंगल हैं और ये इनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स हैं. तो ए बी सी ट्राइंगल मान लीजिए और ये पी क्यू आर मान लीजिए और ये है एल और ये है एम. राइट, इस क्वेश्चन को देखने से पहले 5 और 6 क्वेश्चन ज़रूर देखें, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. हमें एरियाज दे रखे हैं दोनों ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. और क्या कह रहा है, हमें एल्टीट्यूड दे रखा है फर्स्ट ट्राइंगल का 6.3 सेंटीमीटर. ये फर्स्ट ट्राइंगल है तो BL दे रखा है हमें 6.3 सेंटीमीटर और हमें कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल का एल्टीट्यूड निकालना है, दैट इज QM निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 5th में प्रूफ दिखाया था आपको कि हमारा जो एरिया होता है दो ट्राइंगल का, सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशो होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो हम डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं प्रूफ नहीं कर रही हूँ, आप इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5th ज़रूर देखें. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके, इसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो गया. राइट, यहाँ साइड में आप लिख दीजिए रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. राइट, तो एरिया कितना हो गया, 81 है ए बी सी ट्राइंगल का एरिया और पी क्यू आर का है 49 अपॉन बी एल है हमारी 6.3 का होल स्क्वायर और क्यू एम स्क्वायर एज इट इज आया. तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो कितना है, 81 इंटू क्यू एम स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इंटू 6.3 का स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, देखिए क्यू एम स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 49 इंटू 6.3 का स्क्वायर. तो 6.3 इंटू 6.3 अपॉन 81. तो ये पॉइंट हटाया नीचे एक जीरो लग गई, फिर पॉइंट हटाया नीचे एक जीरो लग गई. तो आप देखिए 9 7 63, 9 9 81, 9 1 9 9 7 63. तो ये क्यू एम स्क्वायर कितना आ गया, दैट इज 49 इंटू 7 7 अगेन 49 अपॉन 10 इंटू 10. तो क्यू एम कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 49 अपॉन 10 इंटू 10. तो क्यू एम आ गया हमारा, एक बार बाहर निकाल लेंगे तो दैट मीन्स क्यू एम आ गया 4.9 सेंटीमीटर इज द आंसर.